छात्रों को पीटने के बाद और जैसे घटना प्रयागराज में हुई है, इन सभी मुद्दों पर आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपसे मुलाकात कराते हैं जो कि पेशे से शिक्षक हैं और वो लगातार छात्र के मुद्दों पर लगातार वो सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। आज एक ऐसे शिक्षक जिनका नाम है बिमल तिवारी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं और छात्रों को लेकर के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है, और उनसे हम जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये जानेंगे कि जो प्रयागराज में घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है। देखिए, कहते हैं अपनी बात रखने के लिए मुँह खोलेंगे तो हंगामा होगा, अपनी बात रखने के लिए मुंह खोलेंगे तो हंगामा होगा, और निरंकुशता के खिलाफ जब भी बोलेंगे तो हंगामा होगा। तो कहिए तो सच बोलें। बिल्कुल, आप सच बोलिए। तो सच कि ये बच्चों को जो नौकरियां बांटी गई हैं, आप भी जानते हैं कि किस कदर नौकरियां बांटी गई। वो बच्चे जो नौकरियां नहीं लेना था, जो हॉस्टल में रह रहे थे, उनको निकाल के हॉस्टल से उनको नौकरियाँ दी गई हैं, और उन नौकरियों के निशान लेकर वो आए हैं। माता पिता घर में रहकर बच्चों को बाहर भेजते हैं, वो बीमार होते हैं, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो अपनी दवाई नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको हॉस्टल की और बच्चे की कोचिंग की फीस देनी है। प्रयागराज एक एजुकेशन का एक कम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम से उनका एक हब है, वहाँ पर ढेर सारे बच्चे रहते हैं जो कि उम्मीदें लेकर जाते हैं, जो कि आशाएँ लेकर जाते हैं, जो कि सपने लेकर जाते हैं, और एक पल में, आधे घंटे में, एक घंटे में ये जो निरंकुश प्रशासन है उसने वो सारे सपने तोड़ दिए। इतनी लाठियां चलवा दी उन बच्चों के ऊपर जो कि नौकरी मांग रहे थे। और मुझे दर्द इस बात का होता है अभिषेक जी, कि उन लोगों के आप सपोर्ट में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन बचाव न करें सरकार का ऐसे मुद्दे पर। और मैंने देखा है कुछ बुद्धिजीवियों को कि सरकार का ऐसे मामलों पर भी बचाव करने लगते हैं। मैंने लोगों के पोस्ट देखे कि ये आतंकवादी हैं। बिहार की घटना की मैं खुद निंदा करता हूँ कि सरकारी संपत्ति पे को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन जो प्रयागराज में हुआ वो सर्वथा निंदनीय है। ऐसा अगर होता रहा तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा नतीजा, आपको धरातल पे दिखेगा। ये युवा ही हैं जो किसी भी सरकार को फर्श से अर्श तक ले जाते हैं, और फिर वो उसी सरकार को वापस अर्श से फर्श पर ले आएंगे। इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। आप देखेंगे एक बड़ा परिवर्तन दिखेगा अगर सरकार युवाओं के प्रति ऐसी ही निरंकुशता दिखाती रही तो। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का जो मुद्दा है, क्या पूरा मुद्दा है, पूरी जानकारी दें जरा। इनफैक्ट 3 साल पहले की ये भर्ती प्रक्रिया है जो कि लटकी हुई है। अभी तक अगर कोई कहे कि बच्चों ने हुड़दंग क्यों करा, बच्चों ने उपद्रव क्यों किया, बच्चे जाम क्यों हुए, बच्चे एक जगह पे एकत्रित क्यों हुए, उन्होंने ट्रेन में आग लगा दी, हाँ ये बिहार में हुआ है, तो ठीक है, दैट वाज आल्सो द एक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्शन ना, आपको करना चाहिए था। हालांकि मैं बता रहा हूँ, ट्रेन में आग लगाना ये कहीं की सभ्यता नहीं है। मैंने अभी पे देखा होगा, एक मैंने डाला भी है कि ये कहे कि सभ्यता की ट्रेन दो तुम फूंक, मैंने लिखा है, देखिए आप देख सकते हैं लगातार उसको। आप ऐसे जो पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर करते रहते हैं, मैं उन छात्रों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ जिन्होंने ट्रेन जला दिया था, लेकिन मैं उन छात्रों के पक्ष में हमेशा था, हूँ और रहूँगा, चाहे वो टिट का जब यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ, और 2017 का पेपर फिर से रिपीट कर दिया इन्होंने, जो अब की बार जल्दबाजी में परीक्षा करा ली, प्रिंट न कराना पड़े, मेहनत न करानी पड़े, और चाहे वो आरआरबी की भर्ती प्रक्रिया रही हो, वो खुद नहीं जानते कि उनको क्या करना है, स्थितियां ऐसी आ गई हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरी तरीके से, बच्चों में एक भय सा व्याप्त है कि देखिए, चूंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि मैं इंटर कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ, डिफरेंट कोचिंग सेंटर हैं जहाँ क्लासेस लेता रहता हूँ, तो काफ़ी बच्चे जुड़े रहते हैं, टच में रहते हैं। इनफैक्ट बच्चों में वर्तमान में एक भय व्याप्त है, और वो भय आई डोंट नो कहाँ से आया, बट आपको भी पता है कि वर्तमान में जो नौकरियों का सबसे बड़ा सेक्टर है वो रेलवे है, या कल वो निजीकरण हो गया तो बच्चों को लगता है कि कहीं रेलवे भी तो प्राइवेट नहीं हो जाएगा, तो ऐसा जिसके लिए जहाँ जाने के लिए, जिस सेक्टर में जाने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा अवसर होते थे, मौके होते थे, तो ये वो अंदर का डर है जो बाहर निकल के आता है। और एक चीज़ मैं एक घटना बता दूँ आपको, आज मैं एक अपने बच्चे से मिलने गया था, वो प्रयागराज में पढ़ के पढ़ाई करता था रह के वहाँ पे, तो वो हॉस्टल से आया है तो खूब लाठियाँ वाठियाँ खा के आया है। मैं बैठा, संवेदनाएं ही व्यक्त कर सकता है मेरे जैसा आदना व्यक्ति, तो संवेदनाएं व्यक्त करी मैंने,
उसने कहा सर इस पिक को आप सोशल मीडिया पे डालना मत। तो मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा सर अभी भी डर लग रहा है कहीं सरकार उठा के बंद न कर दे। तो ये तो ये निरंकुशता है, ये युवा पीढ़ी के अंदर आप जो भय है वर्तमान सरकार घुसेड़ रही है जबरदस्ती का, ये एक दिन लावा बन के जब फूटता है तो फिर दिक्कतें होती हैं। तो भयग्रस्त छात्रों को उतना रखिए, अगर आप उनको नहीं पढ़ा सकते तो आप कह दीजिए कि कोई नौकरी नहीं मिलेगी अब चार साल में हमारे शासन काल में, बच्चे घर में बैठे वो तैयारी कर रहे हैं, वो रात 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 जाग के पढ़ाई करते हैं, और फिर तीन साल से अगर एक भर्ती को एक जो यहाँ पे उनको बड़े अवसर मिलने वाले हैं युवाओं को, उस भर्ती को अगर आप रोक के रखते हैं तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं जायज हो जाता है। बंधुवर ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार मैं तो कहता हूँ मुझे ही नहीं सबको बोलना चाहिए, हर एक व्यक्ति जो कि चाहता है कि भारत प्रगति के मार्ग पर रहे, वो अगर ऐसे मुद्दों पर बोलना बंद कर देगा तो मान लीजिए उसी दिन विकास बिल्कुल रुक जाएगा। और वर्तमान समय में जो शिक्षा के प्रति सरकार की जो नीतियां हैं, मुझे तो शक होता है उनकी मनसा पर, उनकी नियत पर। आप देख रहे हैं, आप आए होंगे, आप भी दूर से आए हैं, आप सही बताना, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबसे आप पूछ लें कि कहीं पे कोई बंदिश आपको दिख रही है कोरोना के लेके? आप एक प्राइवेट बस, आप एक सरकारी बस में सफ़र करें उसमें आपको 40-50 लोग मिलेंगे, आप एक टेम्पो में बैठ के आएँ उसमें आपको 15 लोग ठसे हुए मिलेंगे, कहीं पे कोई बंदिश नहीं है। बंदिश केवल एक जगह पे है, वो है शिक्षा। शिक्षा पे बंदिश है कि टेम्पो दौड़े खुली बाजार है, बिकाय सुई और भाला, गैर जरूरी शिक्षा ला गया स्कूल में पड़ेगा ताला। कि हम एक दल विशेष का जो कि शिक्षा के प्रति इतना उदासीन है उसका अगर समर्थन करवाने के लिए हमारे मित्र भी कहें तो मैं उनसे कारण जरूर पूछूंगा। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं मैं एक दलीय व्यक्ति नहीं हूं, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन जो सच है वो अगर बोलना बंद कर देंगे तो शिक्षक होने पर मुझे माने लगेगी। आइडियोलॉजी जबरदस्त की है कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो सवाल पूछेंगे। पिछली बार कोरोना काल में टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सब ऐसे बच्चे मंद्रवित होता है अभिषेक जी। 90% लाने वाले बच्चे भी 70% लाए हैं, और जो 40% की जिनके औकात नहीं थी वो भी 70% लाए हैं। परीक्षाएं जब देश में ऐसे होने लगेंगी तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का भविष्य क्या है उस प्रदेश में, उस देश में। तो ये मैं खुल के बोलूँगा कि इतनी निराशावादी आप, चूँकि आप भी सिधौली विधानसभा में रहते हैं और हम भी सिधौली विधानसभा में रहते हैं, आज आपने मंच पे बोलने का मौका दिया है, तो मैं प्रश्न करना चाहूँगा आपसे भी, और पता लगाना आप जहाँ भी जाना, आप तो चुनावी मौसम है हर जगह पे जाते होंगे, कोई एक व्यक्ति बता दे कि विगत 4 वर्षों में कितने नए कॉलेज खुले, कितने नए सरकारी अस्पताल खुले। मैं आजीवन उसी एक पार्टी को वोट दूंगा जिसने जो ये कर देगी। मॉडल स्कूल में बता दूं आपको, जजौर ओपन करा गया था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय। मैंने पहले बता रहा हूं मैं दलील नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने करा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वर्तमान सरकार ने, और केवल इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वो दूसरे पार्टी का है, दूसरे पार्टी ने उसकी स्थापना करी थी। तो ये तो नीति कहीं समझ में नहीं आती कि शिक्षा में भी बंटवारा कर देंगे आप। ये मेरा खुलाया स्कूल है और ये दूसरे का खुलाया हुआ स्कूल है। तो काम तो इतना हुआ है कि स्कूलों में ताले पड़े हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें ठेके जहाँ पे खुले हों और जहाँ पे स्कूलों में ताले पड़ जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन ये समय की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। तो एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कट बता दूं कि ऑनलाइन शिक्षा अरबपतियों की शिक्षा है, करोड़पतियों की शिक्षा है। घर में 4 बच्चे हैं, आपको 4 स्मार्टफोन एक मिडिल क्लास का व्यक्ति लेके घर में नहीं दे सकता, 4 मोबाइल का रिचार्ज। सरकार ने भाई लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं। कितने तो बोल रहे हैं करोड़ बांटे हैं हम। कहाँ भाई साहब, आपको भी पता है हमको भी पता है, 15 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे टच में हैं, तो कितनों को दिया है सबको पता है ना, सबको पता है। अभी आचार संहिता लग चुकी है और इस समय रुका है, इस समय प्रक्रिया रुकी हुई है, आगामी मार्च के बाद बांटा जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितने जो भी इन्होंने टैबलेट्स दिए हैं, लैपटॉप की बात न करें आप, टैबलेट और स्मार्टफोन और स्मार्टफोन है, उन्होंने सभी को दिया है ना, चाहे समाजवादी हो चाहे बसपा हो, सबको दिया है। घर में कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले आप मिल लीजिए, सबको नहीं मिला है। एक कटेरिया तय करा है उन्होंने एक कॉलेज से 3-4। तो ये मैंने बताया कि आप अच्छी बातें बताओ, मैं जो सत्य है अभी उन्होंने जो फाइनल में है, जितने बच्चे फाइनल में है उनको दिया गया है, बाकी सबको बाद में दिया जाएगा। ये अभी जानते हैं क्यों दिया गया, पिछले 4 साल में कितनी बार बटे हैं, वुड यू लाइक टू टेल मी? मैंने बताया अभी हाल में ही बांटे गए। नहीं मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पिछले 4 साल में जो एग्जाम हुए, जो परीक्षाएं हुई, जो स्टूडेंट निकल के आए, उनको कुछ मिलता हुआ दिखा आपको?
कुछ नहीं मिला ना? तो फिर ये दिस इज इलेक्शन स्टंट, ये अभी जानते हैं। मैं भी आप इलेक्शन को लेकर मान रहे हैं बिल्कुल। अगर वादा करा जा रहा है वर्तमान समय में, कोई भी कुछ वादा करे, आप अब अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री में देने का वादा कर रहे हैं, मैं वो भी इलेक्शन स्टंट मानता हूँ उसको। चुनाव के सामने जो जब की चुनाव चल रहा है तब चढ़ाई करी जाए, जो भी व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं सडनली आनन फानन में, बच्चे बहुत हतोत्साहित थे क्या करें, युवा पीढ़ी को अपनी तरफ खींचने के लिए आपने कुछ चीज़ें बांट दी, तो वो तो चुनावी स्टंट है, उसको आप मुझे इसमें बरगला नहीं सकते। एक आम व्यक्ति से मिलिए, वो बात मान लेगा आपकी ना। चूँकि मैं फिर से कहूँगा कि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार ये प्रमुख और विकास, इस पे वोट करनी होगी, और शायद अब की बार का उत्तर प्रदेश तैयार है और युवा जरूर तैयार है कि इन्हीं मुद्दों पे वोट करना है उसको, बाकी उसको अब की बार कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये उम्मीद करते हैं। सरकार कह रही है कि हमने शिक्षा पे काम किया है, रोजगार पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, उन्होंने कहा कि मैंने 35 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वही तो मैं चाहता हूँ कि कोई आए लिस्ट लेके और मुझे बताए कि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां मिली लोगों को। कि अच्छा ये बताओ, ये पन्ना प्रमुख जो बनाए गए हैं, जो पद बांटे, ये भी रोजगार वाले में है का? तब तो मालूम है इतनी नौकरियां मिली हैं, ऐसे तो मैं नहीं मानने से रहा। तो सरकार दावे कर रही है इसको खोलने हैं सिर्फ। हाँ बिल्कुल, आप आइए लिस्ट लेके, आप जो कहता है उससे कहिए लिस्ट दीजिए, और एक लिस्ट दीजिए कटेरिया वाइज कि किस किस बांटे थे, उसमें लिखा है 35 लाख। कहने सरकार ने तो वो भी पोस्टर बांटे हैं, जो पुल कलकत्ता बना है उसको उत्तर प्रदेश में दिखा रहे। देखो सच बुलवाओगे तो बड़ा सच है मेरे पास, ये ध्यान रखना, इसलिए बेहतर यही है। और मैं बता रहा हूँ, सुर लय ताल छीन लो फिर भी प्राणों से भैरव गाएंगे, और अभी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुख दिखलाएंगे। तो मैं सच तो बोलूँगा, तो वो बेहतर यही है कि शिक्षा पे हमारी आपकी बात हो रही है वही रहे, नहीं तो बहुत कुछ है मेरे पास और काफ़ी सच है, अगर ज़्यादा उजागर हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो बेहतर है। शिक्षा पे बात करने आए थे आप, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ बड़ी खोखली नीतियाँ हैं शिक्षा को लेकर वर्तमान सरकार की। आप ही बताइए, कहीं पे जब कहीं पे कुछ भी बंद नहीं है और केवल स्कूलों में ताले पड़ गए हैं, ये किस नीति के अंतर्गत आया है कोई हमें बता दे। कोरोना काल चल रहा है तो, और इसी को लेकर के बंद किया गया है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, एक मैं पिक दिखाऊँ आपको, सरकार ने दावा किया है कि कोरोना है, ऐसे में मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो मैं हवा में नहीं बोलता हूँ। एक बड़ी विशेषता ये है कि मैं हमेशा मुद्दों पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ और फैक्ट्स पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ। हवा में बात करना, चूंकि मैं राजनीतिक नहीं हूँ इसलिए शायद हवा में बात नहीं कर पाता, नहीं तो हवा में बात वही लोग करते हैं जो राजनीति में होते हैं, ये जाने ना। ये एक पिक देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा बेटा, जरा जूम कर लीजिए, ये दिखाइए कैमरे में। हाँ दिख रहा है, सबसे नीचे वाली देखना जरा, दिख रहा है, ये 3-4 दिन पुरानी पिक है। इस पिक लेके आप देखिए, हमारे गृह मंत्री हैं, वो एक छोटी सी बच्ची से माला और पुष्प अर्पण हो रहा है, और ये वही बच्चे हैं, ये उसी उम्र के बच्चे हैं जिस उम्र के बच्चे स्कूल में होते हैं। वहाँ स्कूल में खतरा है और आप वोट मांगने आए तो वहाँ पे खतरा खत्म हो जाता है। तो दोहरी नीतियाँ वो कभी जिंदगी में पसंद नहीं करे तो आप क्या पसंद करेंगे। तो ये सच पड़ेगा नहीं, जिसको भी देखना है वो देख ले कि गृह मंत्री जी, देख लें गृह मंत्री जी एक बच्चे से माला टीका लगवा रहे हैं एक भीड़ में, और ये स्कूल बंद होने के बाद की पिक है। तो यहाँ पे उनको बच्चे अच्छे लगते हैं, यहाँ पे बच्चे सुरक्षित हैं, कोरोना नहीं हो सकता उनको। लेकिन अगर एक इस एक क्लास में 30 बच्चे बैठ के अगर पढ़ाई कर लें तो फिर वहाँ पे कोरोना आ जाने का बड़ा खतरा रहता है। ऐसा लगता है कि कोरोना नहाया धोया बिल्कुल स्कूल के गेट पे बैठा हुआ है, जैसे स्कूल का दरवाजा खुले और हम अंदर घुस जाएं। तो क्या चाहते हैं, स्कूल खुलने चाहिए कक्षा 9 से 12 के? स्कूल को खोलने की तुरंत अनुमति दे सरकार। मैं अभी भी कहता हूं कि बंदिशों के साथ स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होता है। आप 30 बच्चों के ऊपर आप चेक करवाइए, कैमरे रख रखे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक स्कूल में कैमरे लगे हैं जहाँ जहाँ सेंटर बनता है ना। आप परीक्षा जब होती है तो कैमरों से देख लिया जाता है, तो इस समय आप नहीं देख पाते कैमरों से, या ऐसे फर्जी में लगवा के गए थे, या हम लोगों को बका के गए थे कि कैमरे लगे हैं ऊपर से देखा जा रहा है, और उनको ऑनलाइन जोड़ दिया गया था, अभी भी जो लगे हैं। आप एक आदेश दें कि 30 बच्चों से ज़्यादा अगर एक क्लास में दिखें तो उस स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी। आई एग्री, 30 बच्चे होंगे, 28 बच्चे बिठाएंगे अध्यापक, बच्चों को भी पता है, अध्यापकों को भी पता है, वो केवल शिक्षा से जुड़ा रहना चाहते हैं, उनको पता है कि बच्चे इस घर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन एक छलावा है, एक धोखा है मिडिल क्लास के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए, ऑनलाइन शिक्षा नहीं है। तो 30 बच्चों की अनुमति मिले, 9 से 12 तक के स्कूल खुले, इकलौती मांग के साथ हमेशा रहता है बिमल बिमल तिवारी।